परीक्षा के नतीजे आने के बाद अगर कोई बच्चा अव्वल आता है तो घर के साथ साथ पड़ोस में भी खुशी का माहौल होता है, लेकिन अगर फेल हो जाए तो मार और घर वालों की गालियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। यहाँ पर एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा फेल होने के बावजूद बच्चे के परिवार ने अपने बेटे के फेल होने का जश्न मनाया है और मोहल्ले में जुलूस भी निकाला। 10वीं की परीक्षा में फेल हुए छात्र आंसू के पिता ने बेटे के फेल होने पर खुशी मनाते हुए आसपास के लोगों को मिठाइयां भी बांटी। लेकिन जब इसके पीछे का कारण आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आंसू के पिता का कहना है, वो इस जश्न के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम अपने बच्चे की कामयाबी में उसके साथ हैं तो उसकी असफलता में भी उसका साथ देना चाहिए और आगे के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसके बाद आंसू के पिता की पूरे इलाके में तारीफ हो रही है और लोग उनकी सोच की प्रशंसा कर रहे हैं।